और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर भीषण गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर फूकते जा रहे हैं। अभी आपको सीधा लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के सीताद्वार फीडर पर, जहां पर जो मास्टर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है 10 मेगावोल्ट का, उस ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। हो सकता है तकरीबन 30-40 हज़ार उपभोक्ताओं की बिजली प्रभावित हुई है। वीडियो आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं सीताद्वार पर, जहां पर भीषण भयंकर गर्मी की वजह से सीताद्वार में जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है 10 मेगावोल्ट का बताया जा रहा है, जिससे बीरपुर, समगड़ा और सीताद्वार के क्षेत्र में जिससे बिजली सप्लाई दी जाती है, भीषण गर्मी की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। तो पूरे श्रावस्ती जनपद में देखा जा रहा है कि जो छोटे बड़े ट्रांसफार्मर हैं सब हीट हो चुके हैं। भयंकर गर्मी की वजह से कई जगह पर देखा जा रहा है कि ग्रामीण बिजली विभाग के खिलाफ धरने पर भी बैठे हुए हैं। एक तरफ बिजली विभाग खुद परेशान है, बिजली विभाग का पता नहीं अब तक कितना नुकसान हो चुका है इस गर्मी की वजह से। जगह जगह पर ट्रांसफार्मर जलते जा रहे हैं, कहीं पर लो वोल्टेज की समस्या है, कहीं पर ताल जल रहा है, कहीं पर भयंकर गर्मी में जनता त्राहि त्राहि कर रही है। इस भीषण गर्मी में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, विद्युत विभाग खुद ही परेशान है। बताइए, जो सीताद्वार का ट्रांसफार्मर है 10 मेगावोल्ट एम्पियर का, उसमें आग लग गई है। यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी भीषण और कितनी भयंकर गर्मी आजकल श्रावस्ती में हो रही है। कई जगह पर लो वोल्टेज की समस्या है, कई जगह पर ट्रांसफार्मर जल गया है, कई जगह पर देखा जा रहा है कि सड़कों पर सड़क जाम करके लोग प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा।